ये इधर रे बगुले बतक उधर बहुत सारी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज छत पे बैठे हैं मेरे मम्मी और मम्मी पीछे अमरूद धो रही है, साथ में सेब धो रही है और धूप भी मस्त हो रही है आज। अच्छी देखो धूप भी, मैं दिखाता हूँ मम्मी सेब धो रही है। ये मम्मी अमरूद और सेब धो रही है और इसको धूप में बैठ के मम्मी और मैं खाएंगे। गाइस, दिसंबर का महीना शुरू हो गया, फिर भी देख लो इतनी कम ठंड पड़ रही है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि नीचे तो लगती है ठंड, ऊपर धूप में आता तो लगती गर्मी। अब मम्मी ने धो लिया, मम्मी इसको काटेगी अमरूद को, इसको फिर हम खाएंगे। ये देखो गाइस, मम्मी अब काट रही अमरूद को। ये नमक रहा, इस नमक को इसमें अमरूद जब कट जाएंगे तो इसमें लगा के खाएंगे हम। सो गाइस, फाइनली मम्मी ने अमरूद काट लिया, उसके बाद सेब काटेंगे हम, खा रहे अमरूद। अमरूद नमक के साथ नहीं काटा, मैं अच्छा नहीं लगता, नॉर्मली अच्छा लगता है। और मम्मी इसका गुद्दा निकाल के बीज वगैरह जब खाएगी, क्योंकि मम्मी के पत्थरी का ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर मना कर रखा है बीज खाने के लिए। देख कितना बीज है इसको, ये बीज निकाल के मम्मी तब खाएगी। मम्मी खा रही है अमरूद, खाओ जल्दी। गाइस, हम सेब खा रहे हैं। पर बोल दिया दूसरे वाले रूम में जाके बैठ जा, मैं यहाँ पे अपने कमरे फोल्ड करूँगा। और ये है यहाँ बैठ गया आके, मैं इसको वहाँ से ले भेज रहा था क्योंकि इसके बाल लग जाते हैं कपड़ों में। फिर मैं देखो यहाँ पे बैठ गए, कैसे करूँ मैं भी। वो तेरे वाले रूम में नहीं गया, वहाँ नींद नहीं आती तेरे को है भाई है। सो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ बाहर घूमने के लिए। आज मैं इवनिंग वक्त जा रहा हूँ, काफ़ी दिन हो गए थे मतलब मेरे को गए हुए, मैं बाहर घूमने भी नहीं गया था। आज मैं पार्क में जाता हूँ घूमने, पार्क दिखाऊंगा आज मैं आपको अपने यहाँ का। सो गाइस, मैं जा रहा हूँ अभी रास्ते में आ गया हूँ, मैं पार्क की तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद जाके कि पार्क कहाँ पे। वो रहा सामने पार्क, और सड़क भी नहीं बना दी इधर, ये देखो काम चल रहा अभी, और इधर भी सड़क बना दी है। हम जा रहे हैं पार्क के अंदर, एंट्री करेंगे पार्क के अंदर जाके। ये आ गए हम पार्क के अंदर। बच्चे झूला झूल रहे उधर, ये देखो गाइस, ये पूरा पार्क कितना अच्छा लग रहा है ना, ग्रीन ग्रीन सा एकदम, ग्रीन रिव्यू आ रहा पूरा इधर से यहाँ तक, पूरा खाली है अभी तो, लोग आएंगे उधर सामने, शादी है प्रोग्राम है किसी का। काफ़ी दिनों बाद आया हूँ तो पार्क में, तो आज वॉक ही करनी है, रनिंग नहीं करूँगा। रनिंग कभी फिर करेंगे जब दो चार दिन हो जाएंगे ना चलते हुए, पार्क में आते हुए तो करेंगे रनिंग। मैं दिखाता हूँ मेन गेट, बैठने का बना दिया इसके अंदर, एक गेट यहाँ से खोल दिया है। पहले ये गेट बंद था, यहाँ से बने गेट बना दिया है, और ये पोल था इसका टेढ़ा कर दिया यहाँ पे। काम चल रहा है अभी पार्क के अंदर, पर ये देखो ग्रीन व्यू पूरा कितना मस्त लग रहा है ना, ग्रीन व्यू ये पूरा। इधर पानी डाल दिया है कि घास उग जाए, क्योंकि बच्चे खेलते हैं तो उनके पैरों से नीचे से घास कट जाती है, इसलिए पानी चल रहा है इधर। ये ना पानी, पानी पी लेता हूँ, पानी पी लिया, चलते हैं। ये पूरा अभी सेक्टर का पार्क है, गांव वाला पार्क उस तरफ है, उसमें भी चलेंगे अभी टाइम लगा तो, पहले थोड़ा सा यहाँ पे घूम लेते हैं। ये सेक्टर का पार्क है, इधर सेक्टर है ना, तो सेक्टर वालों के लिए बन रहा है। वैसे तो कोई भी आ सकता है, इसमें गांव वाला भी आ सकता है, पर ये सेक्टर का एरिया होगा तो इसलिए सेक्टर का पार्क है ये। उधर गांव वाला एरिया अपना, तो उधर गांव वाला पार्क है। कितना अच्छा व्यू आ रहा है इधर, बैठने के लिए चेयर रखी हुई है पूरा यहाँ पे, ग्रीनरी
और इन्हें झूले लगा दिए जो बोलते हैं ना ओपन जिम, उस टाइप के ओपन जिप टाइप के। पहले ये नहीं थी मशीन, अब लगा दी दोबारा से। ये सारा बच्चों को खेलने के लिए, बड़े भी बैठ सकते हैं इस पे, पर अभी कोई है नहीं तो इसलिए बैठेंगे नहीं अभी। ये बढ़िया रास्ता बना दिया इस पार्क के अंदर, चारों तरफ से रास्ता, बीच में से के निकाल रखा है हेलीपैड जो टाइप का रहता है ना, सर्कल सा हेलीपैड के जैसे, वैसे बना रखा है। देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा, पहले गेट बंद था, अब दोबारा इस पार्क का रिनोवेशन हुआ है तो दोबारा गेट खोल दिया। ये पहले बंद था ये गेट। गाइस अब मैं जा रहा हूँ गाँव वाले पार्क के अंदर, और ये देखो गाड़ी सज रही है, शादी बारात के लिए गाड़ी सज रही है। अब चल रहे पार्क के अंदर। ये गांव का मतलब तालाब है जो झोड़ कहते हैं जिसे, वो उसको बढ़िया अच्छी तरह से बना दिया। ये देखो पूरा जो बैठने की सीटिंग है यहाँ पे पूरा, ये पूरा है। ये देखो कुछ बच्चे पे अपना फोटो खींच रहे हैं। बतख की भी आवाज आ रही है यहाँ पे, और ही बतख उधर, और इधर बतख, ये इधर रहे बगुले, बतख उधर बहुत सारी। गाइस मैं आपको बतख दिखाऊंगा, बतख बहुत सारी बतख इधर आते। ये रंग बिरंगी बतख, फोटो खींच रहा है। यहाँ भी ग्रीनरी अच्छी है, फुल बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ पे। ये देखो ये रही बतख, और ये भाग रही है। कितने शोर मचा रही है इस पौधे। ये देखो गाइस पौधे, रात को जब लाइट जलती है जब पता नहीं कहाँ चली जाती है बतख, दिन में तो रहती है इधर ही, रात को ऊपर ही चली जाती है कहीं पे, या तो कोई किसी ने इनका घोंसला वगैरह बना रखोगा, बेचारी दिन में इधर घूमती रहती है, शाम को अपने कमरे में घर में चली जाती है, कमरा बोल रहा हूँ, घर में चली जाती है अपने यहाँ पे रहती। ये गाइस आगे मंदिर, जब मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी यहाँ पे उसका मंदिर है, वीडियो मैंने पहले मंदिर की बनाई थी। मंदिर की दीवार है यहाँ पे पूरा टूटा हुआ, रोड है टूट गया। गाइस ये देखो मंदिर दूर से, इधर रास्ता था नहीं, ये पूरा दिख रहा मंदिर। ये पूरा भोले बाबा दिख रहे उधर वो, और अब गाइस जो बैठने की सीटें हैं ना यहाँ पे, जो बैठने की जगह होती है बहुत अच्छी अच्छी है, मतलब पूरी हिस्टोरिकल टाइप की। मैं आपको दिखाता हूँ बैठने की जगह बना रखी बैठने के लिए, वो ये रही। ये मंदिर का गेट है इधर, वो रे भोले बाबा ऊपर पीछे दिख रहे हैं,
ये बैठने की जगह हिस्टोरिकल टाइप में पूरा है ना, कितना अच्छा व्यू। ये देखो लाइट वगैरह भी लगा रखे हैं यहाँ पे। यहाँ पे सबको धागा बांध देते हैं, ये चींटे को खाना डाल देते हैं यहाँ पे। ये रहा चींटी को, इसमें चीनी और आटा डाल देते हैं। ये रहा इधर धागा चुन्नी बांध रखा है। और ये बड़ का पेड़ है, यहाँ पे भी प्रसाद वगैरह रख देते हैं। और सबसे मेन बात है डस्टबिन रखे हुए हैं कि गंदगी ना फैले। डस्टबिन में डालो जो भी खाना पीना है, वेस्ट है जो भी डस्टबिन में डालो इधर। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली नोटिस बोर्ड पे लगाए हुए हो कि गंदगी ना फैलाए ये सब। ये देखो ये रहा, पूरे इंस्ट्रक्शन नोटिस बोर्ड पे लगा रखा पूरा कि कुछ गलत काम नहीं करना है यहाँ पे। और इधर ये वॉशरूम भी बना रखा है, इधर लेडीज का है उधर जेंट्स का है। सही है, अच्छा कर रखा, बहुत बढ़िया कर रखा है। सो गाइस बहुत घूम ले, चलते हैं घर पे क्योंकि घर का काम भी करना है। शाम के बज रहे हैं 5:30, फिर मैं दूध लाऊंगा और घर के काम करने हैं, फिर पूजा वगैरह भी करनी है। अब चलते हैं घर पे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब फिर से बाहर आ रहे हैं तो वही गाड़ी खड़ी सज रही है जो ये ये दुकान है फूल वाले की। ये सज रही गाड़ी, और ये मेन रोड है, ये सेक्टर में जा रहा है, ये इधर चौक की तरफ जा रहा है और ये अपने घर की तरफ जा रहा है। तो पूरा मेन गेट हो गया ये रहा।